हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं स्नेहलता दुबे अब आपको दो नारियल से बता रही हूँ नारियल की लड्डू बनाने, या आप नारियल की बर्फी भी बना सकते हैं इससे। देखिए, ये है हमारा डेसिकेटेड कोकोनट जो मैंने पहले ऐसे काट रखा था, छिलका उतार कर फिर मिक्सर में इसे ग्राइंड किया। इसके लिए मैंने दो नारियल हैं बड़े साइज, तो 10-12 इलायची ली है और मैंने 1/2 kg चीनी ले रखा है। अब मैंने पैन पे अपना डालकर ऑन कर दिया है बनने के लिए। इसमें दो नारियल के हैं, ये कच्चा नारियल है, इसमें मैं चीनी डाल दे रही हूँ क्योंकि इसका दूध और इसमें ऑयल खुद है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पानी या दूध डालने की ज़रूरत नहीं है। इसे थोड़ा सा फ्लेम रखिए ताकि चीनी गल जाए, हमारी खड़ी चीनी है, पाउडर नहीं है। उसके बाद आप स्लो आंच कर लीजिएगा, इसे रेगुलर चलाते हुए बनाइए। इसके आप बहुत से यूजेस कर सकते हैं। सूखे नारियल के जो बुरादे आते हैं डेसिकेटेड कोकोनट, उसमें एक अपनी अलग स्मेल होती है जो बड़ी फाउल और बड़ा ख़राब लगता है। उसे आपको वेनिला एसेंस वगैरह डाल के उसको ख़त्म करना, पर ये बहुत ही टेस्टी और मिल्की टेक्सचर होगा इसका, एकदम बहुत ही बढ़िया होता है। कद्दूकस करने के बजाय छिलके उतार कर आप ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए चम्मच से हिलाते हुए। देखिए, अब मेरा नारियल जो है अपना पूरी तरह से चीनी गला रहा है। मैं धीमे से धीमे इसे बनाऊंगी। अब थोड़ी देर में मैं आज स्लो कर दूंगी, पर इसे बराबर चलाते रहना है। इसमें आप खोए का भी यूज कर सकते हैं, कंडेंस मिल्क का भी यूज कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। इससे आप चाहें तो गोजिया बना लें, लड्डू बना लें, बर्फी बना लें, कुकीज़ बना लें, जो आपकी इच्छा हो नारियल से। मैं आपको सब चीज़ों की रेसिपी दूंगी, बस आप हमारे चैनल को देखते रहिए और इसे सब्सक्राइब कर लिए और लाइक कीजिए। मैं आपको लगातार रेसिपी देती रहूँगी, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स होंगे उसे मैं हमेशा फुलफिल करने की कोशिश करूँगी। देखिए, अब हमारा एकदम गल रहा है, धीमे धीमे इसके कलर चेंज हो गए, जो कि हमारा डेसिकेटेड कोकोनट ये सेम कलर में था, इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है। अब इसे बनने देंगे हम, 1/2 घंटे इसे लग जाएंगे धीमी धीमी। हमारा तैयार हो गया है, मैंने इसमें थोड़ा सा इलायची डाल दिया है, हमें कोको पाउडर डालना होगा 2 चम्मच, जिसे मैं थोड़ा सा दूध में घोल ले रही हूँ। इसको लम्स ना बने, थोड़ा सा करके आप ऐसे ऐसे घोल लीजिए। अभी मैं रखी हूँ इसे आंच पे, थोड़ा सा बनने दीजिए इसे, ये बनता रहेगा तब तक मैं 1 चम्मच दूध डाल के इसे जल्दी से घोल लूँ फटाफट, इसमें लम्स ना पड़े। देखिए, ये तैयार हो गया है, इसे मैं धीमे से डाल दूंगी। अब 4 चॉकलेट हमने धीमे धीमे मिला दिया है। देखिए, अब एकदम जब आपका एक तैयार हो जाए कच्चे नारियल का कोको चॉकलेट या बनाना हो, तब उसके बाद ही आप कोको मिलाइए, नहीं तो कोको का टेस्ट खराब हो जाए। देखिए, हमारा कोको एकदम मिल चुका है। अब मैं इसे एक अपने प्लेट में निकाल लूँगी, उसके बाद इसे रख दूंगी थोड़े देर जमने के लिए। देखिए,
ये हम अपना निकाल दे रहे हैं थोड़े सजा के, स्टिकी है एकदम एकदम, पैन छोड़ दिया है। देखिए एकदम स्टिकी है पूरी तरह। हम इसे तुरंत ऐसे ऐसे धीमे धीमे करते हुए इसे जमा देंगे और फिर थोड़ी देर बाद इसे कट कर लेंगे। ये हमारा कोको का जम गया है, अब मैं इसे थोड़ी देर में काटूंगी। देखिए मेरे कोको की बर्फी तैयार हो गई, चॉकलेट बर्फी कोकोनट की। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलूंगी, मैं इसकी गुजिया बनाऊंगी।